फ्रेंड्स दिस इज योर साइंस बुक इन टूडे क्लास वी विल रीड द चैप्टर नंबर इलेवन नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अ वंडरफुल लिक्विड वाटर वंडरफुल लिक्विड वाटर के बारे में हम इसमें रीड करेंगे सो लेट स्टार्ट वर्ड जोन में आपका सबसे पहले है सॉलिडी सॉलिडिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इन टू सॉलिड वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उसे सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है मेल्टिंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इंटू लिक्विड मेल्टिंग वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे हम मेल्टिंग कहते हैं इवेपोरेशन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इंटू स्टीम और वेपर वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वो स्टीम में चेंज होता है या वेपर में चेंज होता है जब कोई भी लिक्विड जैसे वाटर है वो स्टीम में चेंज होता है उसको हम वेपर बोलते हैं और ये प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाता है कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इन लिक्विड वो प्रोसेस जिसमें वेपर अगेन लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर लाइफ जो अर्थ पे है वो बिना पानी के पॉसिबल नहीं है या हम ये कह सकते हैं कि अर्थ पे जो लाइफ है विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं है इट इज़ यूज इन आर डेली लाइफ ये वाटर हमारी डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है हम इसका यूज़ करते हैं वी टेक बाथ इन वाटर हम बात में सोते हैं नहाना हम पानी से नहाते हैं वी वॉश आर क्लॉथ इन वाटर हम अपने कपड़े पानी से धोते हैं वॉश मीज होता है धोना वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग फूड वी यूज यूज मतलब जो यूज करते हैं हम वाटर फॉर ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है कुकिंग फूड खाने को पकाने के लिए हम खाने को पकाने के लिए और पीने के लिए पानी का यूज करते हैं प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो पौधों को भी पानी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए दे टेक वाटर फ्रॉम द सॉयल और वो पानी कैसे लेते हैं प्लांट्स सॉइल से लेते हैं मिट्टी से लेते हैं ऑल अदर एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर और जो दूसरे जानवर हैं उनको भी पानी की जरूरत होती है नाउ टर्न द पेज डू यू नो दैट मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ आर अर्थ इज वॉटर क्या <coughs> आप जानते हो कि हमारा जो आ, अर्थ है उस पर सेवेंटी परसेंट जो है वो वाटर है वाटर इज मेनली फाउंड इन ओशियन वाटर जो है वो ओशियन में पाया जाता है ओशियन यानी महासागरों में पाया जाता है अमेजर पोर्शन ऑफ आर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाट वाटर हमारा जो सबसे ज़्यादा बॉडी का जो भाग है वो पानी का बना हुआ है वॉटर इज अ वंडरफुल लिक्विड एंड इट कैन बी ईजिली सीन इन अ सॉलिड लिक्विड और गैस फॉर्म इन नेचर वाटर जो है एक वंडरफुल लिक्विड है और इसको हम आसानी से सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में हम नेचर में देख सकते हैं यानी नेचर में ये तीनों फॉर्म में अवेलेबल है टेक सम वाटर इन अ वेसल एंड कीप इट इन द फ्रीजर ऑफ रे, रेफ्रिजरेशन सॉरी रेफ्रिजरेटर टेक सम वाटर थोड़ा सा पानी आपने लेना है इन अ वेसल एक बर्तन में एंड कीप कीप की होता है रखना इन द फ्रीजर फ्रीजर में रखना है अपने रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है जिसे बोलते हैं उसमें उसको रखना है आफ्टर सम टाइम इट चेंज इन टू आइस और कुछ टाइम बाद ये आइस में यानी बर्फ में चेंज हो जाता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन जो ये प्रोसेस है लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना इसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं आइस इज दॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म है वाटर का आइस हैल्सो ऑक्यूपाई स्पेस आइस का अपना एक डेफिनेट शेप होता है और ये स्थान भी घेरते है यानी जगह लेती है नाउ कीप दिस आइस एट रूम टेम्परेचर अब इस जो आइस है जो बर्फ है आपने फ्रीज़ किया था उसको रूम टेम्परेचर में ऐसे खुला छोड़ देना है आफ्टर सम टाइम्स सॉलिड आइस चेंजेस इंटू लिक्विड वाटर अगेन कुछ समय बाद ये सॉलिड आइस जो है वो लिक्विड वाटर में दोबारा चेंज हो जाएगी द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इंटू लिक्विड इज नॉन एज मेल्टिंग ये जो प्रोसेस हुआ है चेंज होने का सॉलिड का लिक्विड में इसको हम मेल्टिंग कहते हैं देखिए यहाँ पे आइस है धीरे धीरे ये वाटर में चेंज हो रहा है नाउ बॉयल दिस लिक्विड वाटर अब हम ये जो लिक्विड वाटर है इसको बॉयल करेंगे यानी गर्म करके इसको उबलने देंगे वॉट डू यू सी तुम क्या देखते हो लिक्विड वाटर चेंजेस इन टू वाटर वेपर और स्टीम लिक्विड वाटर जो है वो वाटर वेपर या भाप में चेंज हो जाता है यानी पानी की भाप बन जाता है दिस इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर और यह गैसियस फॉर्म होती है वाटर की यानी पानी जब भाप बनता है इसको हम गैसियस फॉर्म बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इन टू स्टीम और वेपर इज नॉन एज इवेपोरेशन ये जो प्रोसेस होती है जो प्रक्रिया होती है लिक्विड का स्टीम या वेपर में चेंज होना इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं देखिए यहाँ पे वाटर को हीट किया जा रहा है हीट करके जो भाप बन रहा है स्टीव बन रहा है ये आपका वेपर है और ये जो प्रोसेस हो रहा है हीट करके आ, पानी को हीट करने का और ये जो वाटर है लिक्विड है जो चेंज हो रहा है स्टीम में इसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं कूल द स्टीम एंड यू गेट लिक्विड वाटर अगेन अब ये जो स्टीम जो बर्तन में आप देख रहे हैं अगर इसको फिर से ठंडा कर दिया जाए गर्म हो हीट होकर के ये भाप बनी है अगर इसको अगेन ठंडा कर दें, तो हमें वो लिक्विड वाटर फिर से दोबारा वापस मिल जाता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इंटू लिक्विड इज नॉन एज कंडेंसेशन कूल द स्टीम एंड यू गेट लिक्विड वाटर अगेन को कूल cool करना है जिससे कि तुम्हें लिक्विड वाटर वापस मिल जाएगी द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर एंड लिक्विड इज नॉन एज ये जो प्रोसेस होता है वेपर का लिक्विड में चेंज होना इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं सो वॉटर इज सॉलिड इज आइस सो वॉटर एज सॉलिड इज आइस Water, जब वाटर जब सॉलिड होता है उस, उसको हम आइस कहते हैं यानी बर्फ कहते हैं वाटर एट रूम टेम्परेचर और नॉर्मली जो हम रूम टेम्परेचर में वाटर को देखते हैं वो लिक्विड फॉर्म होता है एंड गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज स्टीम और जो गैसियस फॉर्म में जो जैसे यहां ऊपर ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है ये वाटर का स्टीम रूप है हम इसको देखते हैं नीचे ब्रेन बॉक्स है ब्रेन बॉक्स में ये जो वाटर का साइकिल है ये दिखाया हुआ है एविप्रेशन ऑफ वाटर ऑल द टाइम बट इट बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग ऑफ वाटर मतलब कि ये जो पानी का जो भाप बनता है ये हमेशा होता रहता है बट बिकम फास्टर तेज हो जाता है ऑन हीटिंग जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये और तेज हो जाता है इनफैक्ट द क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर यहाँ तक कि जो क्लाउड्स हैं वो इवेपोरे वाटर का जो इवेपरेशन होता है यानी जो पानी जो भाप बनती है उसी से बनते हैं फ्रॉम लेक्स रिवर्स एंड ओशियन यानी जो ये पानी लेक का पानी है रिवर का है ओशियन का है इनका जब पानी जब हीट होकर के सन की सन की रेज से देखो हीट हो रहा है तो ये इवेपरेट होता है फिर उससे क्लाउड्स बनते हैं वेन वाटर वेपर ऑफ एटमोसफेयर चेंज इन टू लिक्विड जब ये वाटर वेपर अगेन चेंज हो जाती है लिक्विड वाटर में इट कम्स डाउन एज रेन तो ये बारिश के रूप में हमारे पास फिर वापस आ जाती है देखिए यहाँ पे ये आपका रिवर्स है आ रही हैं और रिवर्स आकर के जब ये ओशन से मिलती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्या प्रोसेस हो रहा है सन की हीट हो रही है और हीट होने से जो पानी है वो चेंज हो रहा है ये वो परेट हो रहा है यहां पे देखिए तो वो क्लाउड की शक्ल ले, ले लेता है और फिर जब ये अगेन वाटर पेपर फिर पानी में चेंज होता है तो ये बारिश के रूप में फिर नीचे आ जाता है हमारे पास अगेन हमें वो मिल जाता है ठीक है अब ये आपका पेज नंबर एटी नाइन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे